रायगढ़ के गौशाला पारा पुलिस लाइन में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक पुलिस लाइन क्वार्टर की 4 मंजिला बिल्डिंग के दूसरे माले की खिड़की से धुआं निकलने लगा। काफी तेज धुआं और आग की लपटें निकलते देख स्थानीय पुलिस वालों ने तत्काल इसकी सूचना दमकल विभाग को दी। दमकल विभाग की 2 गाड़ियां तत्काल मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद घर के अंदर लगी आग पर काबू पाया गया। आपको बता दें कि अगर आग पर काबू नहीं पाया जाता तो निश्चित तौर पर एक बड़ी जनहानि होती, क्योंकि यह 4 मंजिला बिल्डिंग है जिसके दूसरे माले पर एक मकान में शॉर्ट सर्किट से आग लगा था। अगर आग फैलती तो आसपास के घरों को भी अपनी चपेट में ले लेती, पर दमकल विभाग के तत्परता के कारण कोई जनहानि नहीं हुई। जिस मकान में आग लगी वह मकान प्रदीप जायसवाल, जो कि रायगढ़ में सब इंस्पेक्टर थे, उनका है। उनका ट्रांसफर होने के कारण घर में ताला लगाकर वह बाहर गए थे। आग लगने से घर के अंदर के पूरे सामान, टीवी, फ्रिज, गद्दे सभी जलकर पूरी तरह से खाक हो गए हैं। कोई भी जनहानि नहीं हुई है। थाना कोतवाली अंतर्गत पुलिस लाइन के क्वार्टर्स हैं। यहाँ पे 4 मंजिला इमारत है, उसके 3rd फ्लोर पे आग लग गई थी। इसमें कोई जायसवाल करके हैं जो कहीं बाहर गए हुए थे और तो फ्रिज में आग लगी थी और फायर ब्रिगेड को तत्काल इत्तला किया गया। फायर ब्रिगेड आकर आग को काबू में किया गया है और मतलब पूर्णतः बुझा दिया गया है और कोई जनहानि नहीं हुई है और सब शांतिपूर्ण है। घर में कोई नहीं था सर? हाँ, घर में लॉक था, दरवाजे को खोला गया है, उसके बाद फिर वहाँ पर आग को बुझाया।